हे गाइस, मैं फिर से एक और वीडियो आपके लिए ले आया हूँ जो कि मेरा गेमिंग कंप्यूटर के लिए है। मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ मेरे गेमिंग सेटअप के लिए, बजट गेमिंग सेटअप के लिए। आज मैं इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो डालूँगा। आप देख ही सकते हैं मेरा गेमिंग कंप्यूटर, ये बहुत ही सस्ते का है, मैंने बहुत ही सस्ते में बनाया, करीबन 36 से 40 हज़ार रुपये में बनाया है। आप देख ही सकते हैं पूरा कंप्यूटर। ये मेरा स्क्रीन है जो कि है AOC का। इसका जो मॉडल नंबर है वो है AOC E970SW, जो कि 18.5 सेंटीमीटर का है, सॉरी 18.5 इंच का है। इसका दाम हुआ है 4,300 रुपीज़ का। ठीक है, ये मेरा स्पीकर देख सकते हैं, ये FND का है। ये नीचे जो सब ऊपर है ये आप देख सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो करीबन 2,200 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका जो मेरा जो कैबिनेट दिख रहा है, ये फ्रॉन्टेक का एक नॉर्मल सा कैबिनेट होता है जो कि साइड पैनल नहीं रहता, लेकिन ये मैंने कस्टमाइज़ करके मैंने खुद ये अपना कटा के यहाँ पर एक ग्लास फिट किया है। आपको ये जो नॉर्मल कैबिनेट है ये 700 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, और आप ये ऐसा मॉड कर सकते हैं। और मेरा जो आप देख सकते हैं जो मेरा माउस है, ये माउस पेजेक्स कंपनी का है जो कि बहुत सस्ते का माउस है। इसका जो दाम हूँ लिया था मैं स्नैपडील से ख़रीदा हुआ था जो कि 500 रुपये में लिया था मेरे से पेजेक्स। इसमें पूरा RGB लाइटिंग होता है और आप DPI भी सेटिंग कर सकते हैं। ये मेरा कीबोर्ड है, ये मार्वो का कीबोर्ड होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, पर्पल हो रहा है, रेड हो रहा है, ब्लू हो रहा है। ये भी मैं स्नैपडील से लिया था, करीबन 800 या 900 रुपये लिया था। ठीक है, और आप देख सकते हैं मेरा पूरा जो सेटअप है, सेटअप में कलर चेंज हो रहा है, मॉनिटर के पीछे भी, और जो मशीन है CPU है उसके अंदर भी जो लाइट चेंज हो रहा है। ये मैं जो LED लाइट होता है वो 300 रुपये में ख़रीदा था, एक रोल में आता है, और साथ में ये जो रिमोट देख रहा है ये रिमोट से आता है। इस रिमोट से पूरा आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने भी फिट किया है यहाँ पर खुद से। मेरा राउटर है जो कि आसूस का है, इसका 900 रुपये दाम लिया था, अमेजोन से ख़रीदा हुआ था। और अगर मैं जो कंप्यूटर के अंदर का चीज़ के बारे में अगर बोलना चाहता हूँ, मेरा जो आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i3 का है, 6098P, स्काईलेक 6th जनरेशन। इसका मैं जब बनाया था तब दाम लिया था 9,000 रुपये। ठीक है, अभी थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है अमेज़ॉन पे, अभी 11,450 रुपये दिखा रहा है, लेकिन आप अगर लोकल दुकान से ख़रीदेंगे तो बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका जोटैक का, एनवीडिया का GTX 750 Ti, जो कि 2 GB वेरियंट है। ये बहुत ही काम का चीज़ है, अभी 2018-19 में भी जो जो AAA गेम आता है वो भी चल जाता है अगर आप 720p में रेजोल्यूशन में गेम खेलेंगे। क्योंकि मेरा जो मॉनिटर है ये AOC का मॉनिटर, ये 720p ही सपोर्ट करता है, ये फुल HD मॉनिटर नहीं है, HD मॉनिटर है, तो इसमें से ये आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर रैम के बारे में बात करें, ये रैम है मेरा कॉर्सेयर का रैम है। ये जो रैम है ये इसका 8 GB वेरियंट है। ये 2133 MHz पे आपका क्लॉक है। इसका दाम करीबन आपको 6,000 रुपीज़ पड़ेगा। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क का है तोशीबा का 1 TB वाला, जो 7,200 RPM पे चलता है। इसका दाम था 3,000 रुपये। और जो आप मदरबोर्ड जो है आप देख सकते हैं अंदर के, मदरबोर्ड है गीगाबाइट का H110M S2CF। इसका अभी आप लगेंगे तो 4,000 रुपीज़ पड़ेगा। ठीक है, और जो जो अंदर जो आप देख सकते हैं, ये देख नहीं सकते, हाँ थोड़ा सा देख सकते हैं शायद, तो ये कोई एक्सपेंसिव कोई आपका PSU नहीं, कोई पावर सप्लाई जो नहीं है, ये नॉर्मल सा एक 700-800 रुपये का जो फ्रंटेक का आता है वही है। इसमें मेरा काम चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये हुआ मेरा PSU। मैं इसमें दो एक्स्ट्रा फैन लगाया था जो कि सर्कल कंपनी का है। इसका जो मैं अमेजोन से ख़रीदा हुआ था, इसका जो मॉडल नंबर है आप देख सकते हैं, एक सामने की तरफ है, ये अंदर से फिट किया था, और एक है वो पीछे की तरफ। ठीक है, ये दोनों मैंने ख़रीदा हुआ था 450 रुपये करके लिया था। तो इसमें से बहुत अच्छा आपका जो मेरा मशीन है, जो थोड़ा सा हीट होता है, तो हीट में ये आराम से ठंडा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये रहा मेरा गेमिंग सेटअप, बहुत ही सस्ते वाला है। अभी अगर आप इसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप कंप्यूटर बनाएंगे
तो लगभग आपको शायद 30-35 हज़ार में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने ऊपर मिनियन का एक स्टिकर लगाया है जो कि मेरा सेटअप के साथ थोड़ा सा मैच हो रहा है। अगर मैं नीचे दिखाऊँ तो ये रहा सब ऊपर। केबल मैनेजमेंट मेरा उतना अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। मैंने टेबल के नीचे से भी एलईडी स्ट्रिप लगाया है, आप देख सकते हैं पूरा एलईडी स्ट्रिप है। ठीक है, ये मेरा सब ऊपर है एफएनडी का, बहुत ही अच्छा बेस है। तो ये रहा मेरा गेमिंग सेटअप। मैं मेरा जो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है, जो जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है इस कंप्यूटर में, मैं लिंक दे दूंगा मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वापस से ख़रीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंप्यूटर का गेमिंग रिव्यू, कोई भी गेमिंग रिव्यू करूँ, तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इस कंप्यूटर में गेम खेल के दिखाऊँगा आपको, क्या क्या FPS आ रहा है, कैसे चल रहा है, मैं दिखाऊँगा। ठीक है, होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो और भी फ्यूचर में देखने को मिले। थैंक यू।